हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लाया हूँ ये एक 9 वाट एलईडी बल्ब को ग्लो कराने के लिए ये एक सर्किट है। ये सर्किट को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और साथ में मैं आपको डायग्राम भी दूंगा कि ये किस तरह से मैं बनाया हूँ और कौन कौन से कॉम्पोनेंट का यूज किया गया है। आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइट जलाने के लिए एक सर्किट बनाया हूं और इस सर्किट की हेल्प से ये आप एलईडी लाइट को जला सकते हैं। तो यहां पर मैं एक आईसी का यूज किया हूं और साथ में एक मूवी का यूज किया हूं, फिर एक ड्रम कॉइल जो इंडक्टर कॉइल बोलते हैं वो मैं यूज किया हूं और साथ में एक पीएफ पेपर कैपेसिटर, इसके बाद एक रेजिस्टेंस, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है इंडक्टर ट्रांसफार्मर, एक यहाँ पर कैपेसिटर और साथ में एक SMD रजिस्टर का यूज किया गया है। सिर्फ इतने ही कॉम्पोनेंट यूज करने के बाद ये जो है सर्किट बिल्कुल ही ओके हो चुकी है। मैं आपको यहां पर SMD के साथ कनेक्शन भी कर दिया हूं, पॉजिटिव को और नेगेटिव को। और मैं सीरीज बल्ब की हेल्प से टेस्ट कर रहा 100 वाट का बल्ब, और यहां मैं होल्डर का कनेक्शन कर दिया हूं, यहां मैं बल्ब को अटैच भी कर दिया हूं इस तरह से। ये देखें, ये होल्डर में ये बल्ब को लगाना है, इसके बाद दो वायर का कनेक्शन यहां लें। तो एक वायर को कनेक्शन मैं यहां पर करने वाला हूं, इससे मैं यहां पर कनेक्शन कर देता हूं। यहाँ मैं कनेक्शन कर रहा हूँ इस तरह से, ये एक्सटेंशन बोर्ड में कनेक्शन कर दें।
ये सर्किट से होते हुए जो वायर आया है, ये वायर को मैं यहाँ पर इन करूँगा और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर स्विच दे करके, तो देख सकते हैं ये बल्ब बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रही है, यानी रोशनी भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ये ब्राइटनेस इसकी है, और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि ये सर्किट बिल्कुल ही परफेक्ट है। ये एलईडी बल्ब जो है ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्किट बन के तैयार है, एलईडी भी मैं आपको चेक करके दिखाया, बिल्कुल ओके है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं 9 वाट एलईडी सर्किट बोर्ड का, यहाँ पर आपको इस साइड से एक फ्यूज मिलेगा जो 931 का ये फ्यूज है, और इसके बाद यहीं पर एक पेपर कैपेसिटर लगा हुआ है, एसी इनपुट देंगे 2J473 का लगा हुआ है। इसके बाद कनेक्शन होते हुए यहाँ पर देखेंगे ये कनेक्शन एक ड्रम कॉइल से है, तो यहाँ पर मैं एक ड्रम कॉइल का यूज किया हूँ, ये यहाँ पर कनेक्शन दिया हूँ, ये 5 mAh का लगा हुआ रहता है। इसके बाद फिर ये दोनों कनेक्शन में एक मूवी का यूज किया गया है, 56107 का यूज किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है ये आईसी, ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर प्लस आईसी दोनों पर ये वर्क करती है। इधर से आपको एसी करेंट देंगे, ये इस आईसी का एक नंबर पॉइंट होता है जहां एक बिंदु देखने को मिलेगा। इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 7 इसमें यहां पर पिन मिलेगी, तो यहां पर एसी का जो इनपुट करंट है वो मैं यहां दिया। इसके बाद यहां से आपको पॉजिटिव निकलेगा, यहां से आपका नेगेटिव निकलेगा, यहां पर एक पीएफ का यूज किया गया है, 2J473 का ये पीएफ लगा हुआ है। इसके बाद ये कनेक्शन यहाँ पर आया है, यहाँ पर एक इंडक्टर ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज किया गया है 100 वोल्ट 47 माइक्रोफेराइड का। इसके बाद यहाँ पर एक एसएमडी रजिस्टर का यूज किया गया है जिसकी नंबर जो है 364 ओम का यहाँ पर यूज किया गया है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहीं से आउटपुट होगा, तो ये सारा कनेक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। और साथ में नीचे मैं जो जो कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे रजिस्टर लगा हुआ है, पीएफ है, तो रजिस्टर जो है वो 931 ओम का एक पीस, इसके बाद 364 ओम एसएमडी वन पीस का यूज किया गया है। पावर फैक्टर यानी कि पीएफ जो है वो यहाँ पर 2J473 का यूज किया गया है 2 पीस। मूवी जो है वो 5VC56107 का यूज किया गया है 1 पीस। ब्रिज रेक्टिफायर प्लस आईसी दोनों इंक्लूड एक ही में है, तो इसका नंबर MT95525P21C37A 1 पीस का यूज किया गया है। इंडक्टर ट्रांसफार्मर 1 पीस है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 1 पीस, 100 वोल्ट 47 माइक्रोफेराइड का यूज किया गया है। तो इस तरह से इतने सारे कंपोनेंट का यूज किया गया है। इसके बाद ये डायग्राम रेडी हो चुका है, ये सर्किट बनाया और इस पर जो ये एलईडी वर्क कर रहा है, एलईडी काफी बेस्ट तरीके से, रोशनी भी काफी ज्यादा, और ये बिल्कुल सही कंपोनेंट का मैं यूज किया हूँ। तो यहाँ मैं डायग्राम दे दिया हूँ, इस डायग्राम की हेल्प से आप भी इस तरह के एक सर्किट बना करके एलईडी बल्ब ग्लो करा सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैं यहाँ पर एक सर्किट बनाया, इससे 9 वाट का एलईडी बल्ब को इसमें ग्लो करा करके मैं दिखाया, साथ में एक एमसीपीसी का भी यूज किया।
तो इस तरह से मैं इसे बिल्कुल ही कंप्लीट बनाया और ये बिल्कुल सही से वर्क भी कर रहा है। आपको मैं इसमें डायग्राम भी दिया जिसके हेल्प से आप आसानी से इसे बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।